अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैम किचन स्टूडियो। आज हम आए हैं लाहौर की शाह आलम मार्केट में। ये मार्केट अपनी मुनासिब कीमतों के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुनासिब कीमत में मिल जाती है। आज हम यहाँ पे एक ख़ास चीज़ का जायज़ा लेने आए हुए हैं और वो है लिंट रिमूवर मशीन। तो चलिए देखते हैं कि शाह आलम मार्केट में इसकी प्राइस क्या है और इसमें वैरायटी क्या क्या मौजूद है। प्राइस बता दें। ये आपको मिलेगा 1500 रुपये का। 1500 का यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बताई जाती है। कई शॉपकीपर जो हैं कीमतें बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं, तो हमें जो है पहले से अंदाज़ा होना चाहिए उन चीज़ों का। तो इस तरीके से आप लोग जब ऑनलाइन देख लेते हैं चीज़ों के रेट्स, या फिर आप कोई वीडियो वगैरह देख लेते हैं जो चीज़ भी आप खरीदने जा रहे हैं, तो आपको कीमत का पहले से अंदाज़ा होता है। इसकी प्राइस क्या है? तो ये चीज़ आपको बहुत ही फ़ायदा देती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी वो कीमत बता रहे हैं आपने उसे आधी ही बतानी है, तो फिर आप एक कामयाब शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो लिंट रिमूवर मशीन है इसकी कीमत भी इसी तरीके से शॉपकीपर ने बढ़ा चढ़ा के बताई, लेकिन बाद में वो कम रेट देने पर तैयार हो गया था। तो ये आपको 1000 से लेके 2000 तक, 2500 तक मुख्तलिफ रेट्स में ये लिंट रिमूवर मशीन जो है वो बआसानी मिल जाएगी। इसके अलावा काफ़ी वैरायटी थी शॉप पे। आप देखें कि आर्टिफिशियल जो प्लांट्स हैं बहुत खूबसूरत थे, लेकिन बात वही है कि बार्गेनिंग होती है यहाँ पे, और इसमें आपको एक्सपीरियंस अगर है शॉपिंग का तो फिर आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाएँ, क्योंकि फ़िक्स रेट नहीं होते। तो थोड़ा चल फिर के आप विज़िट कर लें और फिर उसके बाद आप जो है जो चीज़ भी आपको पसंद है वो ख़रीदें। इस तरह की काफ़ी सारी शॉप्स हैं शाह आलम मार्केट में। ये शॉप जो है ये इसकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। आपको बहुत ही मशहूर यहाँ पे सामने नज़र आएगी बाबा कुल्फ़ी वाले की शॉप, तो उसके बिल्कुल ही अपोज़िट मौजूद है। आर्टिफिशियल प्लांट इनके बहुत ही अच्छे थे, प्राइस भी मुनासिब थी। तो आप अगर जाना चाहें तो ये लोधी ट्रेडर्स के नाम से ये शॉप है जी। तो आपको आज का वीलॉग कैसा लगा और आप अगली बार किस टॉपिक पर वीलॉग देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।